दोस्तों, अगर आप किसी भी वजह से आपका एटीएम पिन चेंज करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किसी भी एटीएम कार्ड का पिन चेंज करने का सही और सबसे आसान तरीका आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए। तो दोस्तों, एटीएम पिन चेंज करने के लिए सबसे पहले आपके पास जिस बैंक का एटीएम कार्ड है आपको उसी बैंक का एक एटीएम के अंदर चले जाना है। जैसे कि मेरे पास है मेरा एसबीआई एटीएम कार्ड, इसीलिए मैं आ गया हूँ एक एसबीआई एटीएम के अंदर। और आपके पास भी जिस बैंक का एटीएम कार्ड है आप उसी बैंक का एक एटीएम के अंदर चले जाइए, सबका प्रोसेस लगभग सेम ही होता है। और किसी भी एटीएम में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो कार्ड डालने का जगह है यहाँ पर आपको आपका एटीएम कार्ड डाल देना है कुछ इस तरीके से। तो आप एटीएम मशीन के अंदर जब आप एटीएम कार्ड को डालोगे तो एटीएम के स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का एक लिखा हुआ आ जाएगा, हाय प्लीज डू नॉट रिमूव योर चिप कार्ड, लीव योर कार्ड इंसर्टेड ड्यूरिंग द एंटायर ट्रांजैक्शन। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और आपको यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पर इन तीनों लैंग्वेज में से इंग्लिश को सिलेक्ट कर लीजिए। और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बहुत लोग क्या गलती करते हैं, पिन चेंज करने के लिए इस पिन जनरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस बैंकिंग वाले ऑप्शन पर। उसके बाद दोस्तों आपके सामने फिर से बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो पिन चेंज वाले ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 10 से लेकर 99 के बीच किसी भी एक नंबर को एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने मर्जी से किसी भी एक नंबर को लिख दीजिए और नंबर लिखने के बाद आपको सिंपली इस यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपका करंट पिन एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको तो आपका एटीएम पिन जरूर पता होगा, तो आप यहाँ पर आपका एटीएम पिन सही से एंटर कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं और एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप आपका एटीएम पिन भूल जाते हो या फिर आपको याद नहीं है कि आपका एटीएम पिन क्या था, तो आप ऊपर कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हो कि एटीएम पिन भूल जाने पर हमें क्या करना चाहिए। तो जो भी है दोस्तों, आप यहाँ पर आपका करंट पिन को सही से एंटर कर दीजिएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर सही से करंट पिन को एंटर करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक न्यू एटीएम पिन लिखने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप एक ऐसा न्यू पिन सेट करिए जिसे आप बाद में कभी नहीं भूलोगे। और जैसे ही आप यहाँ पर न्यू पिन को लिखोगे यहाँ पर आपको दोबारा से वही न्यू पिन री एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पर उस न्यू पिन को यहाँ पर दोबारा से लिख दीजिए और जैसे ही आप यहाँ पर न्यू पिन को री एंटर करोगे एटीएम के स्क्रीन पर प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग के लिए कुछ सेकंड वेट कर लेना है और कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के साथ साथ दोस्तों आपका पुराना एटीएम पिन चेंज हो जाएगा और नया एटीएम पिन सेट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप कभी भी आपका एटीएम पिन को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी पाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।